नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और बाइसेल लेवल देता हूँ, तो उसको मैंने पहले वाला वीडियो में कुछ एग्जांपल आप लोग को दिखाया था, और भी मैंने कुछ एग्जांपल आप लोग को सामने दिखाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो आप लोग को अंत जरूर देखिए, ताकि ये आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। और आप लोग ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोग को ये सभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर देता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। बाय सेल लेवल्स का रिकमेंडेशन देता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। चार्ट का सेटअप आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने कल रात में जो फाइल शेयर किया था, उसके बाद ये आप लोग, मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप में आप लोग शामिल हो सकता है फ्री ट्रायल के लिए। और उसके बाद आप लोग को ये मैंने ये फाइल आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका सैम्पल फाइल का लिंक भी आप लोग को दिया जाएगा। देखिए, उसके बाद मेरा रिकमेंडेशन भी था और इधर पेयर ट्रेडिंग का भी था। उसके बाद मैंने ये आप लोग ये कॉल्स आप लोग देख सकता है। तो ये देखिए, मैंने और कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। सोच लीजिए, इधर से मैंने देखिए एशियन पेंट में 1700 लो है, ये 1685 लो आया था, इधर 1685 लो आया था, इधर मेरा 1720 हाई, मतलब मेरा सेल का एंट्री लेवल था। ये तीनों लेवल रहता, ये मैंने ये आप लोग पहले वाला वीडियो देखिए, इसका बाय सेल लेवल परफॉर्मेंस, तो आप लोग और भी अच्छी तरह के समझ में आ जाएगा। अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल रहता है, डाउन ट्रेंड का भी बाय सेल लेवल रहता है। तो ये 1710 में ओपन था, मेरा 1720 में इसका एंट्री था, हम लोग उसके नीचे एंट्री लेने थे, तो ये 1776 लो आया था। देख सकते हैं आप लोग कितना लो आया था। उसके बाद ये आप लोग को देख लिया। अच्छा, देखिए ये जो डीबी स्लैब है, उसका भी मेरा कॉल था, मैंने कुछ एग्जाम्पल लेके देखा था हूँ। इसमें अप ट्रेंड में बाय सेल लेवल रहता है, डाउन ट्रेंड में भी बाय सेल लेवल रहता है। ये अब मैंने बार बार बहुत सब वीडियो में बता रहा हूँ। तो और इसका कौन सा करेंट मार्केट प्राइस कौन सा लेवल पे है, वो आप लोग को दिख जाएगा इधर से। और मार्केट ओपन होने के बाद गैप अप गैप डाउन होने होगा, तो कौन सा लेवल पे वो है करेंट मार्केट प्राइस, आप लोग देख लीजिए। जो नियरेस्ट लेवल है, ये चार्टो लेवल पे जो नियरेस्ट लेवल है, उस लेवल के हिसाब से आप लोग काम कर सकता है। आप लोग इधर से पहले स्टॉक चुन के रख सकता है, अगले दिन जब आप लोग को ये फाइल मिल जाएगा, उसके बाद उस स्टॉक्स जब ओपन होगा वो कौन सा लेवल पे है। सोच लीजिए, गैप अप और गैप डाउन हो गया, तो कैसे आप लोग को एंट्री लेना है, वो आप लोग करंट मार्केट प्राइस जीजिए। ये जो चार्टो लेवल है, अप ट्रेंड में बाय सेल लेवल्स और डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में बाय सेल लेवल और डाउन ट्रेंड में बाय सेल, अप ट्रेंड में बाय सेल लेवल मतलब अप ट्रेंड और भी ऊपर, जो स्टॉक अप ट्रेंड में और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सूटेबल होगा, डाउन वो नीचे आएगा तो कौन सा लेवल पे उसको सेल करना है, डाउन ट्रेंड बाई में जाएगा तो वो कौन सा लेवल पे जाएगा, और सेल लेवल कौन सा लेवल पे जाएगा। इधर से आप लोग को अप ट्रेंड और कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। सोच लीजिए, और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इधर से देखिए डीवी स्लैब, इधर 1717 लो है, इधर मेरा अप ट्रेंड सेल लेवल पे था, अप ट्रेंड सेल लेवल मेरा डीवी स्लैब 1795 मेरा था, वो 1717 लो मारा था। लेकिन देखते हैं लाइव मार्केट में कैसे हुआ था, ये 1745 में ओपन हुआ था, 1748 मेरा 1795 का एंट्री लेवल था, तो इसके नीचे आप लोग एंट्री देते थे तो ये 1717 तक आ सकते था। इधर आप लोग देखिए, इस इधर आप लोग 1730 या 1744 कोई भी जाएगा, 1700 लीजिए, 1745 या 1740 में आप भी आप लोग एंट्री लेते थे, तो इधर देखिए इतना लो आ गया। तो ये इसी तरीके से और भी एग्जांपल, एक दो एग्जांपल आप लोग को सामने दिखाना चाहता हूँ, मेरा टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने इसका पहले भी इसका परफॉर्मेंस जांच के मैंने वीडियो बनाया। इसका वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप लोग को इसको जल्दी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ये फार्मूला वो भी उस कैसे दिया गया था, ये फार्मूला मैंने जो मैच किया है, उस अगला वीडियो देख लीजिए, उसमें आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और देखते हैं एग्जांपल, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का कमोडिटी का बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि कमोडिटी अच्छी तरह से नहीं आया। सोच लीजिए, क्रूड ऑयल जिस टाइम मैंने लिया था, उसको सेल बाई लेवल डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, बाई लेवल डाउन ट्रेंड में मेरा था 4149, ये 4199,
ये वो कितने में रियल मार्केट में लाइव मार्केट में कितने ओपन हुआ था क्रूड ऑयल, ये ओपन हुआ था सोच लीजिए 4183, तो मेरा 4199 से लेवल था, तो उसके ऊपर जब गया था तो अब लोग उसके बाद 4280 तक गया था, तो उधर से अब लोग एंट्री ले सकते थे और प्रॉफिट आ जाता था 4028 तक। उसके बाद मैंने दिखाता हूँ एक्चुअली क्रूड का लेवल, वो मैंने बाद में दिखा, एक्चुअली मैंने लेवल देता हूँ शाम को 6 बजे से 6:30 के अंदर मैंने देखा था हूँ। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का फाइल है तो इसका आप लोग को डायरेक्शन पता चल जाएगा, अगला दिन आप लोग देख सकते हैं जब ये फाइल शेयर किया था वो कौन सा लेवल पर निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा रहा है। देखिए ये दोनों ही सेल लेवल पर दिखा था, सेल अप ट्रेंड मतलब वो ऊपर गया था वो आज नीचे आने वाला ही था, तो आप लोग देख सकते हैं आज मार्केट नीचे ही गया। तो देखिए मेरा सेल का एंट्री लेवल था 31,307, इधर ट्रू दिखा रहा है सेल का एंट्री लेवल, बैंक निफ्टी में मेरा एंट्री का लेवल था 31,307, उसके बाद 31,000। चलिए देखते हैं लाइव मार्केट में कैसा हुआ था, कैसे किस में ओपन हुआ था, सोच लीजिए बैंक निफ्टी ये देखिए ये ओपन हुआ था 31,248 पर ओपन हुआ था, 329 तक गया था, मेरा लेवल था 307 से, ये देखिए ओपन हुआ था, उसके बाद जब 307 से ओपन हुआ था ये देखिए 307 से 260 तो पहले ही आ चुका था, उसके बाद 229 तक आ गया था, उसके बाद सॉरी मैंने अगला दिन देख रहा था ये आज का दिन 22 तारीख में देखिए ओपन हुआ था, उसके बाद 307 से 248 पहले कैंडल 15 मिनट का कैंडल में ही आया था, आप लोग किसी फंड में भी ले सकते थे, उसके बाद भी आप लोग ले सकते थे, तो ये देखिए कितना लो आया है एकदम 31,307 तक, उसका लेवल आप लोग को दिखाता हूँ, उसके बाद बाद में लेवल क्या था 307 का के बाद देखिए 270 का लेवल था, आप लोग उधर भी एंट्री ले सकते थे, 223 में ले सकते थे, 138 में ले सकते थे, 122 में 86 को भी ले सकते थे, आप लोग को प्रॉफिट आता था। अच्छा उसके बाद मैंने निफ्टी को दिखाता हूँ, ये अगला दिन का मैं सबसे अच्छा काम करता है, मैंने ये ग्रुप में भी बार बार बोल रहा हूँ और इधर भी आप लोग भी समझ सकते थे। देखिए से इधर अगला दिन का जो आप लोग को सफिशेंट टाइम मिलेगा, ये जो लेवल है आप लोग को गैप अप गैप डाउन देख लेंगे और सफिशेंट टाइम मिलेगा। इधर देखिए निफ्टी का 987 मेरा लो था, सेल का एंट्री का लो था, उसका निफ्टी का ओपन हुआ था 973 में, उसका 987 मेरा एंट्री लेवल था, तो उसका नीचे लेते थे तो देखिए 11,884 तक आ गया था। मैंने इसका ऑप्शन का भी कॉल दे के रखा था, इधर आप लोग ऑप्शन का भी इधर देख सकते थे, ऑप्शन पे का भी आप लोग कल के रात में ही मैंने कॉल दे के रखा था। देखिए इधर नीचे एकदम नीचे मैंने ये देखिए ये बैंक निफ्टी 31,500 निफ्टी 11,900 11,100 तो उसको भी परफॉर्मेंस देख लीजिए। मैंने बाई साइड में ही दिखाता हूँ, सेल भी आप लोग ऑप्शन को कॉल देते थे कॉल ले सकते हैं, लेकिन बाई साइड में ही आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए पी देखिए 31,500 इसको कैसे परफॉर्मेंस किया, 360 हाई हुआ है, 562 हाई हुआ था पी का, मेरा बाई का सेल लेवल बाई का एंट्री कहाँ पर था 611 में मेरा बाई का एंट्री था, सेल लेवल बाई एंट्री तो सॉरी डाउन ट्रेंड बाई एंट्री में 411 में आप लोग ओपन होता था, तो इधर 31,500 देखिए ओपन हुआ है 397 से, ये 562 हाई हुआ है 411 से आप लोग एंट्री ले सकते थे, तो ये 562 तक गया था। आप लोग को समझना है क्योंकि कौन सा लेवल पे आ रहा है तो उसके बाद आप लोग को एंट्री लेना है। ये देखिए ये कौन सा लेवल पे था, ये देखिए बाई डाउन ट्रेंड में था, तो इधर देखिए बाई डाउन ट्रेंड में ये दिख रहा है ट्रू,
तो वाई डाउन